हेलो एवरीवन दोस्तों, और क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हेलो नितिन पार्थ मस्ती कोट चैनल पर। तो भाई कल से प्लान बन रहा है हमारा सबका कि कहाँ जाना है। इनको वाटरफॉल देखना था, लेकिन कहाँ जाना वही नहीं पता अभी हम लोग को। ये एक नया फेस ऐड हुआ है हमारे ब्लॉग में, शी इज शिवानी। हाय, धीरज को तो आप लोग जानते ही हो। हाय, सिंगर गिटारिस्ट। सॉरी, हाँ गिटारिस्ट। तो अभी बस हम लोग निकल तो गए, लेकिन कहाँ जा रहे हैं हमको खुद को ही नहीं मालूम। अभी थोड़ा साइड में गाड़ी लगा के देखे कि भाई कहाँ जाना है। वाटरफॉल जाने का प्लान था, बट अभी हम सुबह कल रात को प्लान किया हमने। फिर हमने प्लान किया सुबह 6 बजे निकलेंगे, फिर प्लान किया 11 बजे निकलेंगे, और अभी बज रहे 3। और वाटरफॉल जो प्लान किया था हमने वो बंद हो जाता 5:30 बजे, और यहाँ से जाने का रास्ता ही भाई 2 घंटा लगने वाले, और ऊपर से बारिश भी बहुत है। बारिश हो रही है भाई, देखो दिखा देता मैं आप लोग को, मस्त मौसम है। वही हमने गाड़ी रुकाई थी अभी, थोड़ा 5-10 मिनट डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाना। फिर यूट्यूब पे सर्च किया, नेट पे सर्च किया, आसपास में हमारे 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में क्या आता है घूमने के लिए। तो अभी कहाँ जा रहे हैं ये बताइए कभी। बताओ टीके फॉल जा रहे हैं, और दूसरा उधर से 36 किलोमीटर हमको मुतियाला मडुवु मिलता है, वो भी एक फॉल्स है, ट्राई करेंगे वो भी। हम सब पहली बार ही जा रहे हैं, तो आप लोग को भी घुमाते और हम भी घूमते पहली बार। तो बने रहिए, आज थोड़ा मस्ती मजे करते जरा बारिश में, वाटरफॉल घूम के आते, मिलते थोड़ी देर में। बने रहिए, आज फुल एंजॉय करिए और आप लोग को भी कराएगी। कौन सा रोड है ये? Nice road. It's a nice road. It's a nice road. Its name really is also nice road. That's why it's nice road. देखते हैं क्या nice है इधर। तो भाई ये देखो, हमने रिपोर्ट किया अभी ये रोड पे, ये जो हाईवे है ना, इसका नाम ही nice road है। तो अभी देखते हैं कितना nice है, कितना अच्छा है कि इसका नाम ही लोगों ने nice road रख दिया है। दोस्तों ये आ गया दूसरा टोल, जो पहले टोल पे गए थे उसका सिर्फ 10 रुपये चार्ज लगे थे, अभी इसका देखते हैं इसका कितना लगेगा। तो रास्ते में 2 टोल पड़ते, ये मैसूर की तरफ जाता है ये हाईवे पूरा, और ये मतलब आगे जाके मतलब कनकपुरा रोड है, जो वहाँ जाना है हमको कनकपुरा रोड पर। तो इस टोल पे लगे भाई 25 रुपये, और वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो मैसूर रोड की तरफ जा रहा है, मैसूर रोड हाईवे, और ये जा रहा है कनकपुरा रोड की तरफ जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमारी लोकेशन है। तो रास्ते में रुक गए भाई, इसको यहाँ पर पेरू दिख गया, वो पिंक वाले पेरू आते ना अंदर से, मंदिर इसको बहुत पसंद आते, तो इसको दिख गया देखो। हाँ तो भाई पेरू दिख गया, ब्लॉगर्स आ गए हैं, ब्लॉगर प्लस ब्लॉगर। वही है पिंक वाले, ये नहीं है पिंक वाला, फिर पिंक वाला भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। ओके तो पिंक वाला नहीं मिला भाई, ये नॉर्मल वाला है, कोई नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। हाँ उम्मीदों पे पानी फिर गया, पूरा फ्लॉप शो हो गया यार, बिल्कुल भी मजा नहीं है जैसा सोचा था, बिल्कुल भी पेरू वैसा नहीं निकला भाई। दोस्तों अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमको कुछ भी नहीं मालूम, हमने प्लान तो किया मतलब वो टीकू टीकू फॉल, एक्चुअली ऐसा हिल स्टेशन जैसा प्लेस लग रहा है, बस ये कि इधर रास्ते में सिर्फ डोसा ही दिखता है और कुछ नहीं। तो मतलब भाई हम लोग जो भी रास्ते में अच्छी चीज़ दिख रही है वहाँ पर रुक के भाई, मतलब ये अच्छा है, चलो यहाँ जाके देखते क्या है। तो ऐसा प्लान चल रहा है भाई, कुछ फिक्स नहीं है कि मतलब कहाँ जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं वहाँ मंदिर। कुछ मंदिर मिला है रास्ते में, रास्ते में एक अच्छा मंदिर था, तो हमने बोला चलो भाई मंदिर है दर्शन करते हुए जाते, तो
जा रहे हैं अभी अंदर जाके आप लोग को भी दर्शन कराते भाई। देखिए सामने कृष्ण जी की मूर्ति कितनी अच्छी बनी हुई है, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मूर्ति है, ये अभी पीछे से भी आपको सामने से दिखाता हूँ थोड़ी देर मेरे को। तो दोस्तों ये देखिए भाई सामने हनुमान जी की मूर्ति देखिए कितनी मस्त लग रही है, और ये गणेश जी की। तो अभी यहाँ से ये गेट है इसका, यहाँ से एंट्री करेंगे। ये देखिए यहाँ से एंट्री है इसकी, और ये देखिए कितना अच्छा बना है पूरा, मतलब एकदम गार्डन है ये पूरा। और एक देखिए ये भाई ये गणेश जी की मूर्ति है, और सॉरी ये हनुमान जी की, और ये कृष्ण जी की। तो काफी अच्छा बनाया हुआ है। तो एक्चुअली हम इधर से गुजर रहे थे तो हमें एक ये टेंपल दिखा रहा है, रुक जा रहे हैं। दिस इज त्रिमूर्ति टेंपल, ये शर्मा गया देखो स्किप ब्लॉग में। अरे नहीं और एक बार करेंगे। तो त्रिमूर्ति मंदिर है। सो हाय फ्रेंड्स, हेलो। एक्चुअली हम रास्ते में से अभी गुजर रहे थे तो हमें अचानक से ये मंदिर दिखा, सो हमें लगा कैसे ये मंदिर है कि नहीं पता नहीं था, तो बट ये मंदिर है। व्हाट्स इट्स नेम? त्रिमूर्ति टेंपल। सो त्रिमूर्ति में से यहाँ पे थ्री मूर्तिज हैं, गणेशा, कृष्णा एंड हनुमान जी। तो यहाँ पे इट्स लाइक श्री रामा, श्री कृष्णा, श्री राधे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। चलो दिखाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन कराते हैं, इट्स वेरी गुड प्लेस। ये हम कहाँ जा रहे थे? ये कनकपुरा रोड पे पड़ता है, कनकपुरा हाईवे रोड पे, रास्ते में पड़ेगा आपको। भूल गए हम कहाँ जा रहे थे, हमें ये प्लेस बहुत अच्छा लगा। टीके फॉल्स जा रहे थे, वी आर गोइंग टू और रास्ते में वो आता है क्या कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, उसके नियर बाई है। थोड़ा सा आगे जाके आप कनकपुरा रोड की तरफ जाओगे तो आपकी लेफ्ट साइड में पड़ेगा ये मंदिर, काफी अच्छा है, काफी गुड है, मतलब आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन में अभी पूरा हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, सो विल कम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो राइट। शिव जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पर कृष्णा जी का मंदिर, और ये यहाँ पर गणेश जी का मंदिर। ये देखिए और ये पूरा ऐसा एरिया है, ये पूरा देखिए कितना नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं भाई दर्शन करके आते। दोस्तों मेरे पीछे कितनी अच्छी मूर्ति बनाई, मतलब एकदम बड़ी हाइट में भी, और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है, मतलब मंदिर अभी मतलब बन रहा है, थोड़ा और काम चालू है इसका। ये देखिए तो अभी हम गाड़ी में आ चुके हैं दोबारा से, अभी हम बढ़ चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। कितना सही, तो हमारी मंजिल कहाँ है? टीके फॉल्स। पर टीके फॉल्स में पीके नहीं आने का, कहीं पीके गिर जाओ, टीके फॉल्स में सिर्फ टीके रहने का एक जगह पे। रोड कितनी सही, सभी लोग मस्ती मत करो, ठीक है? फॉल्स है, बारिश भी बहुत हुआ है, शायद फॉल्स में फॉल हो जाता है। दिस प्लेस इज सो गुड, नो? यहाँ पे वो भी होना चाहिए, एक रिजॉर्ट भी, हमारे वहाँ उड़न बीच है मुंबई में, उसमें आगे जाके फिर इधर रहेंगे। उतरेंगे क्या? नहीं इधर रास्ता है ना आने का जाने का, तो देखेंगे बातें। हाँ इधर खड़ा कर सकते हैं हम गाड़ी, घर रह किसी।
पहुंच गए हम लोग यहाँ पर टीकू फॉल के पास, और ये हमारे पीछे कार पार्किंग, ये भी कार पार्किंग किया इधर हमने, आप आके यहाँ पर कार पार्किंग कर सकते हो। और इसका मतलब कार पार्किंग के चार्जेस है 100 रुपया, मैं आपको दिखाता रहूँ बैक कैमरे से। ये देखिए पूरा कार पार्किंग एरिया है यहाँ पर, वो सामने हमारी कार खड़ी है, और ये देखिए पूरी लाइन से सब कार, और इस तरफ हमें भी चल चल के जाना है आगे, देखते कितनी दूर पर है अभी, कितना दूर जा के चलना है, फिर जाके वाटरफॉल दिखेगा। अभी यहाँ से सब पब्लिक जा रही है भाई, घोड़े वीड़े भी यहाँ पर, चलते चल चल के देखते कितना टाइम लगता है, और आप लोग को भी दिखाते एक बार जब पहुँच जाएगा पूरा। तो बने रहिए, आज मस्त बारिश भी अच्छी हो रही है, और जाके ज़रा वाटरफॉल इंजॉय करते, देखते कितना अच्छा है। हम तो ऐसे सडनली प्लान बना लिए, मतलब फर्स्ट टाइम आए हम लोग, तो अनप्लान ट्रिप था ये, बस ऐसे ही निकल गए कि भाई चलो घूम के आते, आज अच्छा मौसम है, तो बस अभी जरो जा रहे चल चल के। काफ़ी हरियाली है यार यहाँ पर, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है, अच्छा है घूमते थोड़ा, और आप लोग को भी घुमाते, बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर ये बन रही भज्जी, और एक गोभी मंचूरियन खाया, और ये लोग खा रहे अभी मैंगो, कैसा है? इसने तो खाई गोभी मंचूरियन, मज़ा आ रहा है फुल, चांगला वाटला गोभी मंचूरियन खा के हो गया। सॉरी बाकी गरम गरम भजी, आलू भजी और ये मिर्ची, कैसा है भाई टेस्ट, कैसा लग रहा है? टेस्ट तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, मेरे को सब कुछ ही अच्छा चलते फटाफट चल के घूम के निकलते, और क्या इतना अच्छा है उधर नीचे तैरना आता है, तो ज्यादा पानी के पास जाओ, मैं तैरना बोलते हैं, तैरना अपन स्विमिंग करेंगे ना, आता है मेरे को स्विमिंग, हां तो मेरे को भी आता है, ये तो करता नहीं, अपन दोनों करते हैं, मैं ऐसे खेलूंगी, मैं पूछा इसीलिए, इवन तड़ मैं यहां पे कम हूं। किधर से ऊपर? तो भाई ये देखो क्या मस्त वाटरफॉल है, ये देखो पानी इतना मस्त वाटरफॉल है कि पानी नहीं है, और भीड़ देखो, ये देखो ये थोड़ा छोटा सा वाटरफॉल हो रहा है इधर, ये देखो भाई ये क्या सोच के आए थे और क्या हो गए, और देखो ऊपर तक पब्लिक है, ये ऐसा वाटरफॉल है जिसमें पानी नहीं है, इधर आके खड़ा हो, उस तो देख लिया होगा अब आपने भाई टीकू वाटरफॉल, क्या मजा आई, देखो भाई बहुत मस्त पानी बह रहा है, इतना तेज पानी बह रहा है कि बह जाएगी इसमें भाई, क्या ही मजा आया, बोलो वाह, अनप्लान ट्रिप था ना, ऐसे ही होता है भाई, क्या ही कटा है, मजा आ गया, इनको ही नहीं मजा किया, एंजॉय किया भाई, जर्नी जो भी थी अच्छा था, घूम फिर के वैसे भी घर पे बैठ के क्या ही करते, वीकेंड का तो थोड़ा मौसम अच्छा है, बोलते ना मंजिल अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, सफ़र तो अच्छा था यार अपना, तो सफ़र में मजे किए, अभी यहाँ से निकलेंगे कहीं और बढ़ते, अभी तो टाइम बाकी है बहुत, कहीं और घूम के आते और आप लोगों को घुमा के आते भाई, तो बने रहिए मिलते, और इन्जॉय करते रहिए हमारे साथ, और देखते रहे नई नई जगह ढूंढते, और कुछ कहाँ कहाँ और क्या क्या देखने मिलेगा नया नया, चीसों लाखों पाए लौट के बुद्धू गाड़ी में आए, तो भाई पहुंच गए हम अपनी गाड़ी की कार पार्किंग के पास, ये रही हमारी गाड़ी, इधर इधर बस जा रहे बैठ रहे, और इसको तो सांस चढ़ गया, इसकी तो हालत खराब हो गई भाई, चढ़ चढ़ के भाई दोस्तों पहुंच गए अपनी कार पार्किंग के पास, ये रही अपने पीछे गाड़ी,
बाकी इसके दोस्त लोग थे जो वो दो वो थोड़ा ऊपर की तरफ गए थे, वो मैंने दिखाया था ना आपको। तो मेरे भाई तुम लोग जाओ, हम लोग जा रहे कार पार्किंग के पास, वहीं मिलो। तो ये लोग बोले आते 10-15 मिनट में। तो ठीक था यार, इतना मतलब मज़ा नहीं आया मतलब, लेकिन ठीक था, अपना टाइम पास हो गया दिन का और क्या। अभी बस यहाँ से निकलेगी अभी थोड़ी देर में, रास्ते में एक और प्लेस है यहाँ पर, वो दिखाएगी आप लोग को। अगर ये लोग सब रेडी हुए तो वहाँ जाने के लिए तो प्लान बनाते और वो जगह घुमाएगी आप लोग को, मस्त है वो भी, अच्छी है। बस इन लोगों का वेट करिए, लोग आते तो फिर निकलेंगे। तो बने रहिए, मिलते थोड़ी देर में, और आप लोग ये भी एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अभी अभी हमने वहाँ से गाड़ी पार्क की और यहाँ से मैं चढ़ चढ़ के आया। अभी ये लोग ऐसे चढ़ चढ़ के आ रहे हैं और अभी देखिए क्या मस्त नज़ारा दिखा हुआ मैं आप लोग को।